Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing fine. So, students, today we are going to do EVS. And in EVS, which chapter were we doing? We were doing chapter number 3. And name of chapter number 3 is Family. And today we are going to do back exercise of this chapter. So students, let's start. This is page number 19. A. Answer the following questions. First, does anyone in your family drive you to school? If so, name the person. आपको आपकी फैमिली में से क्या कोई स्कूल छोड़ने जाता है? अगर जाता है तो आपको यहाँ पर उस पर्सन का नेम लिखना है कि आपको कौन छोड़ने जाता है. Second, who tells you stories at night? आपको रात के समय स्टोरीज कौन सुनाता है? आपको यहाँ पर उनका नेम लिखना है. Third, who cooks food for you? आपके लिए खाना कौन पकाता है? Fourth, who helps you to get ready for school? स्कूल जाने के लिए आपको रेडी होने में हेल्प कौन करता है? And the last one is, whom do you play within your family? आप अपने परिवार में किसके साथ खेलते हैं? Now page number 20. Read the description and match it to the correct name. First is related members that do not live in a same house. हमने क्या डिस्कस किया था चैप्टर में कि फैमिली कौन होती है? जिसमें रिलेटेड पीपल मतलब ऐसे लोग जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जिनका एक दूसरे से रिलेशन है, साथ में रहते हैं. लेकिन अब रिलेटेड मेंबर्स तो हैं, लेकिन वो साथ में एक ही घर में नहीं रहते. ऐसी फैमिली को हम कहते हैं एक्सटेंडेड फैमिली. सेकंड, ग्रैंडपेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजिन्स लिविंग टुगेदर. ग्रैंडपेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स, कजिन्स, इतने सारे लोग एक ही घर में रह रहे हैं, तो ये कौन सी फैमिली हुई? जॉइंट फैमिली. थर्ड, ओनली पेरेंट्स एंड देयर यंग एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर. ऐसी फैमिली जिसमें सिर्फ मम्मा पापा और उनके बच्चे रहते हैं, ऐसी फैमिली को हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली. Fourth, your mother's parent. जो आपकी मम्मा के मम्मा पापा हैं, मतलब आपके नानी और नानू हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? Maternal grandparents. Fifth, sister and brother of father. Sister and brother of father मतलब आपकी बुआ जी और आपके चाचा, आपके पापा की जो बहन है और कौन भाई है वो आपके क्या लगे? पैटर्नल आंट एंड अंकल. नाउ द लास्ट वन इज चिल्ड्रन ऑफ योर अंकल, आपके चाचा के बच्चे आपके क्या लगे? कजिन्स. सो आपके मम्मा के पेरेंट्स आपके लगे मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, और जो आपके पापा के भाई और बहन है वो आपके लगे पैटर्नल आंट एंड अंकल. इरफान इज टॉकिंग अबाउट हिज फैमिली मेंबर्स.
fill in the boxes with the help of the words from the help box and complete his family tree. So, grandfather के साथ ये फोटो किसकी हो सकती है? Grandmother. अब grandfather के दो बेटे हैं, एक तो फादर मतलब आपके पिताजी, आपके पापा, और एक आपके अंकल चाचा. तो अंकल की वाइफ कौन होंगी? आंट. एंड आपके फादर की? आपकी मम्मा. और आपके अंकल का बेटा आपका क्या लगा? कजिन. एंड इरफान की जो बगल में लड़की है वो कौन हुई? इरफान की सिस्टर. सो स्टूडेंट्स, ये क्या है? एक फैमिली ट्री है जो आप सभी ने अपनी EVS नोटबुक में बनाया भी है. फैमिली ट्री होता क्या है? ये एक चार्ट होता है जो आपको क्या बताता है कि कैसे फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं. अब इसी चार्ट के बेसिस पर आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. बहुत ही ध्यान से आपको ये पढ़ना है और फिर आप इसके आंसर्स को लिखेंगे. दिस यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. And after that, you have to write 5 sentences about your family. You will write 5 sentences about your family. So students, you have to do page number 19, 20 and 21 in your EVS book. Page number 19, 20 and 21 in your EVS book. So students, stay at your home and stay safe. Thank you.